महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्षा उषा वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के सबलीकरण और शहरवासियों के मनोरंजन के मुख्य उद्देश्य से नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट अम्यूजमेंट पार्क एग्जीबिशन का आयोजन रेशिमबाग मैदान पर किया गया है, जहां शहरवासी इस मेले का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं क्या खास है इस मेले में। महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जो है रेशिमबाग के ग्राउंड पर जो है नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड एम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है। बीते 5 मई से जो है इसका आयोजन किया गया है। आज हम आए हैं इसी मेगा ट्रेड फेयर में और चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या नया है। काफ़ी दिनों के बाद जो है शहरवासियों को ऐसे खुलकर बाहर निकलने का एंजॉय करने का मौका मिला है इस मेगा ट्रेड फेयर के ज़रिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग जो है किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। चलिए मेगा ट्रेड फेयर में आ चुके हैं। आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी यहाँ पे भीड़ जो है हमें दिखाई दे रही है, झूले जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शोर शराबा जो है हमें सुनाई आ रहा है, लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए और अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉल यहाँ पे लगे हैं, कौन से झूले यहाँ पे लगे हैं और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आइए, इस मेगा ट्रेड फेयर में एंट्री करते ही पहला जो स्टॉल हमें नज़र आया ये है गालीचों का। यहाँ पे जो है आप देखो इतने देख पा रहे हो कि कितने सुंदर सुंदर गालीचे यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम उनसे पूछते हैं जिनका ये स्टॉल है। भैया क्या बताओगे, आपका स्टॉल जो है फ्रंट पे है, यहाँ पे एंट्री करते ही ये सुंदर गालीचों पर नज़र जाती है। क्या बताओगे आप कहाँ से हो और इस मतलब एग्जीबिशन में आपने स्टॉल लगाया है, किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, क्या बताओ जी? मैडम मैं यूपी भदोही से, मैडम ये हमारी स्टॉल फर्स्ट पे है और अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम लगाया रेशिमबाग ग्राउंड में। अभी यहाँ पे पब्लिक भी आ रही से रिस्पॉन्स भी है और यहाँ पे हर कलर और डिज़ाइन की क्वालिटी आपको हर साइज़ में हर क्वालिटी के भी कारपेट मिलेंगे आपको। उलन कारपेट, आप कश्मीरी कारपेट,
और सिलिकॉन सिल्क कारपेट और ऑस्ट्रेलियन वुलन कारपेट, हर वैरायटी क्या आपको कारपेट यहाँ पे मिल जाएंगे। और है ये अभी रिस्पांस है मैडम, और यहाँ पे स्टार्टिंग रेट है आपको 500 से लेके 17,000 तक है कारपेट मिल जाएंगे आपको। नीलिमा गायकवाड़ नाव आडनाव है माझं, माझा बाटिक आणि गाऊनचा बिझनेस आहे आणि हा मेला 2 वर्ष झाले, लागलाच नव्हता, कोविडमुळे सगळे फ्लॉप होते काम, पण आता खूप छान प्रतिसाद मिळतो आहे आणि भरगच्च लोक आहेत, मेला पण खूप छान चाललेला आहे, रोज 1.5-2.5 असे रोज लोक येतात, हे महत्त्वाचं आहे। आणि त्यातल्या त्यात हे जे ऑर्गनायझर आहेत आमचे जे उषा वर्मा, त्यांचं हे काम वाखण्यासारखं आहे, अप्रतिम आहे। दोघं जण, एक प्रमोद मा दादा आहे आणि उषाताई आहे, हे दोघं मिळून हे इव्हेंट करतात, त्याला चांगलाच प्रतिसाद नेहमी मिळत असतो आणि त्यांचं करावं कौतुक तेवढं कमीच आहे। आणि आम्हाला पण प्रतिसाद छान आहे, गाऊनचा पण बिझनेस चांगला चालतो, बाटिकचा पण चांगला चालतो आहे आणि मेला छानच आहे, प्रश्नच नाही, सुंदर चालतो आहे अगदी। ये किचन वेयर प्रोडक्ट है, घर से रिलेटेड छोटे मोटे प्रोडक्ट जैसे घर में रोज यूज़ होते हैं उस हिसाब से है, तो ये मेले में हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और लेडीज़ लोग आके बहुत पसंद कर रही है रोज़, कैसे यानी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है घर में किचन वेयर प्रोडक्ट, तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं और लोगों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है मैडम हमको, सब मिल रहा है किचन वेयर प्रोडक्ट, तो मार्केट में अलग अलग जाके देखना पड़ता है, तो यहाँ पे प्याज कटर से लेके वेजिटेबल चॉपर से लेके सब हीटिंग पैड मसाजर और अपने हेल्थ वेयर प्रोडक्ट भी है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो रहते हैं एक्यूप्रेशर वगैरह के, वो सब प्रोडक्ट चाहिए। ठीक ठाक है मैडम, अच्छा प्रतिसाद है और लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं और हमको भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और आने वाले दिनों के लिए भी सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैडम मेरा नाम पूनम ठाकुर है और अभी हमको 22-23 दिन हो गए हैं, बस संडे को लास्ट है, पर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, 2 साल के बाद रेशम बाग में लगा है तो लोग बहुत मतलब बहुत उत्साहित हैं और मेरे यहाँ कुर्ती पैंट प्लाजो लेगिंग जैगिंग सब मिलता है तो और कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होकर लेके जाता है, मेले में बहुत अच्छा प्रतिसाद है, कस्टमर भी बहुत अभी बहुत मेरे विजिटिंग कार्ड भी ले गए हैं, वो आगे भी मेरे से लेने के इच्छुक हैं। मेला बहुत सुंदर है, झूले वगैरह बहुत सारे लगे हैं और यहाँ पे ये सब जैसे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, आप कॉस्मेटिक्स ये वो सब ले सकते हो, ज्वेलरीज भी अच्छी है, आना मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत मज़ा आया। माझं नाव सहिता आनंद माहुरे आणि मी गुडगावला राहते, मला मेल्यामधून येऊन खूप मज्जा आली, खूप जास्त, मी पहिल्यांदा आली मेल्याला आणि मला खूप मज्जा आली खेळून झुलं खेळून। कोणासोबत आली? मी माझ्या आईसोबत, भावासोबत, बहिणीसोबत, मावशीसोबत आली आहे। हम तो MP से पर यही पे जॉब करते, यही पे रहते, ठीक लगा मेला हमको। क्या अच्छा, सब ठीक है पर महंगाई बहुत है यहाँ की, जो झूलों वूलों में बच्चों बच्चों पे जो लाए अपन तो ऐसा बस, हाँ इन्जॉय किए बस, बस ठीक है। हॅलो, माझं नाव प्रियंका काकडे आहे, मी मुलांसोबत मेळ्यामध्ये आली आहे, मला खूप एन्जॉय झाला आज मुलांसोबत आणि छान मस्त पारड्यावर वगैरे पण फिरली, खूप छान वाटलं आणि मी माझ्या पूर्ण फॅमिलींसोबत आली आहे आणि खूप एन्जॉय केला मी। मी विजय मदनकर, इथेच नागपूरचे रहिवासी आहे, मी 40 वर्षापर्यंत इथेच राहतो आहे भगवान नगरला, कोरोनानंतर हे खूप छान एन्जॉयमेंट आहे नागपूरमध्ये, खूप असे कोरोनाच्या नंतर विथ फॅमिलीसोबत आम्ही इथे आलेले आहोत आणि खूप सुंदर आहे इथलं ॲटमॉस्फिअर वगैरे सर्व।
आलेलो आहोत, आम्हाला मजा वाटली, खूप आनंद झालेला मेला फिरून बस. हॅलो, माझं नाव प्रिया भांदकर, आम्ही फॅमिलीसोबत मेला बघायला आलो, आम्हाला खूप एन्जॉय वाटत आहे. माझं नाव नरेश भांदकर आहे, मी माझ्या फॅमिलीसोबत आलेलो आहे, माझ्यासोबत माझा मुलगा शिवांश पण सुद्धा आहे. माझ्या मुलाच्या एन्जॉयमेंटसाठी मी इथं मेळाव्यामध्ये आलेलो आहे. त्या मेळाव्यामध्ये छान छान आकाशपाळणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे झुले आणि खूप सारे स्टॉल्स आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला खूप सारे एन्जॉयमेंट मिळालेले आहे. मेरा नाम हर्षल लगे, मैं यहाँ मेरे ग्रुप के साथ आया हूँ. काफ़ी मज़ेदार मेला है, काफ़ी हमने वो बड़ी वाला झूला भी झूले, वो डांसिंग वाला भी किए, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी टू मच एक्साइटेड. मेरा नाम प्रवीण तामसेटवार है, मैं दिगोरी से हूँ. और एक लॉन्ग पैंडमिक के बाद बहुत अच्छा, ये कोविड के बाद जो एक जो बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए जो निकला है, अभी हम आए हैं तो सभी ने एन्जॉय किया है विद फैमिली के साथ. थैंक यू. हम लोग शांति नगर से, माय नेम इज़ अभिलाषा चौहान, पूरे फैमिली के साथ आई हूँ मैं और बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. कोरोना के बाद ये जो पहली बार ये मेला लगा है और इसमें हम लोग बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं और हर चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है. अच्छा लगा. हमने अभी सोच रहे हैं कुछ खरीदने, हम तो गेम्स खेले, गेम्स में बहुत इन्जॉय किया. ये खरीदी तो कहीं से भी कर सकते, पर ये जो चीज़ें हैं ये नहीं मिल पाती है. हो फैमिली सोबत पाहुणे आहेत आमचे, सोबत आलो आहे, दुसऱ्यांदा आलो आहे, छान वाटलं. म्हणजे एकंदरीत ठीक आहे, म्हणजे कोरोना नंतर काहीतरी वेगळं पाहायला भेटलं. बाकी खूप एन्जॉय केलं, मला खूप चांगलं वाटलं इथे येऊन. खूप मी जम्पिंग जॅकमध्ये गेलो आणि बस. दिनेश पटेल, वर्धमान नगर. मुझे दो दिन पहले पता चला कि रसम्भ ग्राउंड में ऐसी प्रदर्शनी लगी है और बच्चों को लेके आज मैं फैमिली के साथ में आया हूँ. अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए, टाइम पास, और बहुत बढ़िया तैयारी अच्छी रखी है, नाश्ते पानी से लेके सब खाना वगैरह सब अच्छा रखा है, मैनेजमेंट सही है. नमस्ते, मी नागपूरची आहे प्रॉपर. मी नंदनवन साईडनी, खरबी साईडनी आलेली आहे. माझं नाव मेघा गोतमारे आहे आणि मी माझ्या सिस्टरसोबत आणि माझ्या मुलांसोबत वगैरे आलेली आहे इथे. ही माझी सेकंड टाईम आहे ॲक्च्युली. तर सर्वात पहिले मी या इथे, खूप मोठा मेला आहे हा, मला एक्सपिरियन्स आलेला आहे, खूप छान वाटत आहे इथे येऊन. आणि जे महत्त्वाचे जे मेन इथे झुले आहे, आकाश पाळणा, ड्रॅगन वगैरे, तर ॲक्च्युली आधी भीती वाटत होती, पण म्हटलं की डरने से कुछ नाही चलेगा, इसले एकदा तरी आपण इथे आलो तर याचा आनंद घेतलाच पाहिजे. त्याच्यामुळे मी इथे बसली तर मला खूप छान वाटलं. पहिले तर सुरुवातीला खूप भीती वाटली, पण जेव्हा तो अनुभव घेतला तो खूप छान वाटलं. तर मॅक्झिमम इथे अर्ध्यापेक्षा जास्त झुल्यांवर मी झुललेली आहे आणि इवन माझी छोटी 4 वर्षाची मुलगी आहे, तिनेसुद्धा या मेलाचा खूप छान आस्वाद घेतलेला आहे. त्याचा मला खूप आनंद होत आहे आणि आम्ही आमच्या फॅमिलीमध्ये खूप इथे छान एन्जॉय केलेलं आहे. थँक्यू. माझे नाव शैलेश रामराव सुपलकर आहे. आज ह्या मेलाला येऊन खूप आम्हाला खूप आनंद होत आहे. खूप सोयीस्कर यांनी खूप सुविधा ठेवली आहे लहान मुलांसाठी. आज खाण्यापासून तर त्यांचं पूर्ण झुल्यापासून खूप काही गोष्टी आणि खूप एन्जॉय होत आहे, फुल्ली एन्जॉय.
तो हमने मेले में आए, मेले में देखा कि किस तरह से लोग जो है मेला देखने आए वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेले को, और हमने देखा कि किस तरह के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से लेकर सभी खाने के व्यंजनों के स्टॉल जो है हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे है, हर एक चीज़ को बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे जो है झूले है, जंपिंग जैक है, उसके बाद जो है अम्यूज़मेंट पार्क भी यहाँ पे है, तो बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे से लुत्फ़ उठा रहे हैं इस मेले का, और उसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है मेले का लुत्फ़ उठाते हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एंजॉय करते लोग देख रहे हैं, कहीं ट्रेन में है छोटे बच्चे जो है, छोटी गाड़ियों में हमें झूलते हुए नज़र आए, और बड़े तो अपना एंजॉय कर ही रहे, उसके साथ छोटे भी है, काफ़ी दिनों के बाद जो है घर से बाहर निकले हैं, कोरोना के बाद जो है हम बच्चों को बाहर नहीं निकालते थे, बाहर नहीं ले जाते थे, लेकिन आज अभी जो है कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद जो है जिस तरह से इस मेले का आयोजन किया गया है, हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो है इसका लुक जो है बहुत ही अच्छे से उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।